बात करेंगे क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच विशाखापत्तनम में होना है। हम आपको बता दें कि पहला वनडे मैच टीम इंडिया जीत चुकी है और अब दूसरा मैच भी जीतकर टीम इंडिया चाहेगी सीरीज पर कब्जा करना, तो एक रोमांचक मैच कुछ ही देर बाद देखने को मिल सकता है। लेकिन बारिश को लेकर भी क्रिकेट के जो फैंस हैं उनके अंदर ये संभावना, ये सोच उनके बीच आ रही कि कहीं बारिश मैच का मजा किरकिरा ना कर दे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राकेश जी, एक रोमांचक मैच की उम्मीद है लेकिन बारिश लगता है इस रोमांचक मैच के मजे में खलल डाल सकती है। जी हाँ, और यह संभावना है 80% जो है वो बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है विशाखापत्तनम में। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी हैं एसीए के, उनका मानना है कि देखिए अगर बारिश रुक जाती है तो हम एक घंटे में मैदान को और पिच को खेलने के लायक बना सकते हैं। वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत बेहतर है वाइजैग में, और इसके अलावा अगर आप बात करें सुपर सॉपर्स हैं तो, लेकिन हाँ ये है कि बारिश को रुकना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, और बारिश कभी भी खलल डाल सकती है। पूरा मैच शायद देखने को ना मिले, ओवर कर्टेंस करने पड़े अगर मैच होते हैं तो, मैच होता है तो। लेकिन देखिए ये जो है सारे लोग चाहते हैं कि मैच हो, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब भी कोई भी मुकाबला होता है चाहे वो किसी भी फॉर्मेट का हो, तो अब इसे जो है क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ी राइवलरी कहा जाने लगा है कि इससे ज्यादा प्रतिद्वंद्विता और कहीं देखने को नहीं मिलती। और क्रिकेट जो होता है वो अपने बेस्ट पर होता है जब ये दो टीमें आमने सामने होती हैं। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया में नंबर वन वनडे की टीम भारत है और नंबर टू ऑस्ट्रेलिया है, तो क्या नंबर वन और नंबर टू के बीच ये मुकाबला होने जा रहा है। रोहित शर्मा की वापसी हो रही है, पहला मैच वो अपनी फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब वो विशाखापत्तनम में टीम के साथ जुड़ेंगे और वो मुकाबला खेलेंगे। अगर मैच होता है, बारिश अगर विलेन नहीं बनता है तो जो मुकाबला होता है, तो विशाखापत्तनम जो है वो भारतीय टीम के लिए एक फेवरेट ग्राउंड है। 7 वनडे इंटरनेशनल भारतीय टीम यहां जीत चुकी है, और उससे भी एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि 2010 में ऑस्ट्रेलिया के साथ यहां वनडे इंटरनेशनल खेला गया था और उस मैच में भी भारतीय टीम ही विजयी हुई थी। वो मिचेल स्टार्क का पहला मुकाबला था, डेब्यू मुकाबला था। तो यहाँ पर जो है उस मुकाबले को लेकर बहुत वहां के लोग भी, जो वाइजैक के लोग हैं विशाखापत्तनम के, वो बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये मुकाबला हो, और कोई भी टीम, कोई भी जो लोग है वो इस मुकाबले को देखने से चूकना नहीं चाहेगा, और भारतीय टीम भी चाहेगी, क्योंकि देखिए ये विश्व कप का साल है और भारत के पास गिने चुने वनडे इंटरनेशनल बचे हुए हैं, चाहे हम भारत की बात कर ले या ऑस्ट्रेलिया के पास, तो तैयारियों को परखने के लिए मैचेस खेलना जरूरी है, और उसमें से अगर कोई मैच मिस होता है तो ये टीम की तैयारियों पर असर डालता है। लेकिन बिल्कुल राकेश जी, रोहित शर्मा पहले मैच में उनकी कमी हर किसी को खल रही थी, तो अगर वो खेलते हैं तो उनकी जगह लगता है ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव को लगता है कि बिछाना पड़ेगा। देखिए ईशान किशन का तो आज खेलना जो है वो बहुत मुश्किल जान पड़ता है, क्योंकि जब रोहित शर्मा की टीम में वापसी होगी तो तय है कि वो ओपनिंग करेंगे, और शुभमन गिल जिस तरह की फॉर्म में है तो वो तो खेलेंगे ही, तो ईशान किशन को आज शायद प्लेइंग 11 में जगह ना मिले, शायद भी मैं हटा सकता हूं उन्हें जगह नहीं मिलेगी। हाँ, जहां तक सूर्य कुमार यादव है वो भारत के लिए एक बड़ा कंसर्न है, हालांकि वो मुकाबला खेलेंगे इसकी मुझे उम्मीद है, लेकिन वो कंसर्न हो गए हैं। देखिए वनडे इंटरनेशनल में उनका टीम में स्थान पुख्ता करना बहुत जरूरी है, और स्थान पुख्ता करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो टीम में हो, मतलब कि उनकी उपयोगिता टीम में हो। सूर्य कुमार यादव जिस तरह के खिलाड़ी हैं, 360 डिग्री प्लेयर हम उन्हें कहते हैं, तो अगर वो टीम में सेटल हो जाते हैं एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच की टीम में, तो चूंकि ये विश्व कप भारत में होना है, यहाँ के पिचेस पर रन बनेंगे, तो आपको रन गति तेज करने वाला एक ऐसा बैटर चाहिए मध्य क्रम में जो कि तेजी के साथ रन जुटा सके, और सूर्य कुमार यादव वो करने में सक्षम है। लेकिन जो उनका रिसेंट वनडे का फॉर्म है, जैसा मैंने मैच के पहले जो प्रोग्राम किया था उसमें भी कहा था कि जो सूर्या का एवरेज है
अगर पिछले 12-13 वनडे में आप देखें तो वो घटकर 13.5 के आसपास आ गया है, ओवरऑल एवरेज जो है वो 28.5 के आसपास है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर सूर्य कुमार यादव वनडे इंटरनेशनल में की टीम में भारतीय टीम में फिट नहीं बैठते हैं तो फिर उनकी जगह कौन, अब आपके पास उतना वक्त नहीं है। और उधर मुझे 2019 का विश्व कप याद आता है जब वहां पर ये हुआ था कि 4 नंबर के लिए हमारे पास खिलाड़ी ही नहीं था और अंत तक हम उसे तलाशते रहे और उस समय जो है इसे लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, विवाद भी हुआ था और लास्ट में 360 प्लेयर के नाम से जिन खिलाड़ी को भेजा गया फिर उनका भी करियर आगे नहीं बढ़ा। तो 4 नंबर की पोजीशन जो है वनडे इंटरनेशनल में वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो जगह सूर्य कुमार यादव को अगर मिल जाता है, लेकिन इन फॉर्म सूर्य कुमार यादव को वो जगह चाहिए। तो अगर सूर्य कुमार यादव अपनी लय में आ जाते हैं तो टीम इंडिया के लिए इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सूर्या को कुछ और मौके मिलेंगे ताकि वो अपने आप को टीम में सेटल कर सके। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद की जा रही है कि एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा और बारिश खलल नहीं डाले तो क्रिकेट प्रेमियों का मजा और बढ़ जाएगा, क्योंकि संडे का दिन है और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट का मैच होना है।